ये भारत के सनातन को खत्म करने की एक साजिश भी है। आज मुसलमानों को बैकडोर से आरक्षण दे रहे हैं, आने वाले दिन में भारत को लोग इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं, और ये साजिश बहुत बड़ी साजिश है। उसमें कांग्रेस का सबसे बड़ा तुष्टिकरण रोल रहा है आजादी के बाद से। अब मुल्ला तय करते हैं मुसलमानों को कि जारी करते हैं फतवा कि किस कैंडिडेट को वोट देना है। वोट जिहाद और है क्या? देखिए, कुछ लोग देश को भ्रमित करना चाहते हैं और सच्चाई कभी छुप नहीं सकती। अगर ये सलाहकार समिति की रिपोर्ट तो कह रहा, मैं तो इससे बढ़ के कहना चाह रहा हूँ, हम देश में 47 में लोग कहते हैं हम लगभग 88% आबादी हमारी थी 90%, आज घट करके हम 70% पर आ गए। मुसलमान 8% थे, आज बढ़ करके सरकारी आंकड़े 14-15 कहता है, मैं तो कहता हूं 20 हो गए। ये कांग्रेसियों ने बिहार सहित तमाम देश को धर्मशाला बना दिया। 1971 में जो बांग्लादेश से जो बांग्लादेशी घुसपैठी आए, उस समय से इन्होंने एक तरह से चारागाह बना दिया इन भारत को, बिहार को। रोहिंग्या, बांग्लादेशी घुसपैठी, इसको वोट बैंक कांग्रेसियों ने बनाया, और ये भारत के सनातन को खत्म करने की एक साजिश भी है। आज मुसलमानों को बैकडोर से आरक्षण दे रहे हैं। ये हिंदुओं की घटती हुई आबादी, मुसलमानों की बढ़ती हुई आबादी, आप देखें 0 से 14 वर्ष के बच्चे की आयु मुसलमान में कितने परसेंट है, हिंदू में कितने परसेंट है आने वाले दिन में। और दूसरा देखें, हमारा फर्टिलिटी रेशियो, उनका फर्टिलिटी रेशियो हिंदुओं के फर्टिलिटी रेशियो से 1% अधिक है, 0.25%। ये 0.25% अधिक होना ये बताता है कि आने वाले दिन में भारत को लोग इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं, और ये साजिश बहुत बड़ी साजिश है। उसमें कांग्रेस का सबसे बड़ा तुष्टिकरण रोल रहा है आजादी के बाद से। ये वोट जिहाद वाला क्या मामला है? ये वोट जिहाद का मामला है। अब आपने देखा होगा कि कई चैनलों पर हमने देखा कि अब मुल्ला तय करते हैं मुसलमानों को कि जारी करते हैं फतवा कि किस कैंडिडेट को वोट देना है। वोट जिहाद और है क्या? देश में लव जिहाद किया गया, किन लड़कियों को लव जिहाद के तरह किया लिया जाए, लैंड जिहाद किया गया, लैंड जिहाद भी है। ये कांग्रेस ने 47 के बाद जो जमीन हिंदुओं को सौंपना चाहिए वो मुसलमानों को सौंपते चले गए। भारत में एक तरह से सनातन को खत्म करने की साजिश है। मुसलमानों की बढ़ती हुई जनसंख्या, हिंदुओं का गिरता हुआ जनसंख्या, ये एक चिंताजनक स्थिति है। अगर इस पर नहीं हम चेते, कोई कानून नहीं बना, तो आने वाले दिन में बाढ़ भारत के लिए समस्या।